नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से सादा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। इसको आप डिजाइनर ब्लाउज भी बोल सकते हैं। ये देखिए, इसमें बॉर्डर है बाजू पे। तो देखिए, सबसे पहले हमें किस तरीके से अपना ब्लाउज निकालना है। जैसे हमने इसका नाप लिया है, तो ब्लाउज का जो नाप है वो 37 इंच है, कमर है वो 32 है, बाजू है 4 इंच और बाजू की मोरी है 12 इंच। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट का नाप लेने के बाद आपको अस्तर की कटिंग करनी है। अब देखिए, हमारी चेस्ट है वो 37 इंच है, यहाँ पे 37 इंच। तो यहाँ पे देखिए, हम निशान लगा लेंगे 19 इंच पे। 19 इंच पे हमने निशान लगा लिया। तो इसको मान के चलिए आपके आगे और पीछे के दोनों पल्लर हैं। ये देखिए, दोनों पल्लर हैं। अब आपको यहाँ पे लेना है अलग से कपड़ा सिलाई के लिए, जिसको आप ढीला भी कर सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 इंच कपड़े को अलग से। तो ये हमारा पूरा कपड़ा हो जाएगा 21 इंच। और 40 चेस्ट है तो आपको भी इसी तरीके से पहले निशान लगाना है। 32 चेस्ट है तो पहले आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। तो अब हमने अपनी चेस्ट का निशान लगा लिया है। ये हमारा सिलाई के लिए कपड़ा 2 इंच अलग से है। अब देखिए, आगे और पीछे के दोनों पल्लर हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कपड़े को इस तरीके से खींचेंगे। तो हमें अपने पीछे का पल्लर लेना है बराबर। जैसे हमारी पीछे की लंबाई है 12 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 13 इंच, क्योंकि इसमें हमें तुरपाई नहीं करनी है, अंदर ग्रांड सिलेंगे इसको। तो यहाँ पे हम 13 इंच ले लेंगे या 13.5 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने पीछे का पल्लर 13 इंच ले लिया है, और आगे का पल्लर हमें इससे ज़्यादा लेना है। पीछे के पल्लर से हमें आगे का पल्लर लेना है 1.5 इंच ज़्यादा। अगर आपका ब्लाउज छोटा हो जाता है तो आप 2 इंच ले लें। गुंजाइश हमेशा आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेनी है। अगर ज़्यादा रहेगी तो उसको आप छोटा कर लेंगे, अगर कम रहेगी तो उसको आप बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए आपको हमेशा गुंजाइश ज़्यादा लेनी है। तो देखिए, आपको यहाँ पे ये हमारा पीछे का पल्लर है और ये आगे का है। इसको मैंने ज़्यादा खोला नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आगे का है कौन सा पीछे का है। तो देखिए, इसको हम डबल कर लेंगे, फिर इस तरीके से हम डबल कर लेंगे। ये हमारा आगे का है, ये देखिए, जो बड़ा है वो आगे का है, जो छोटा है वो पीछे का है। तो इसको हमें डबल करना है बराबर करके, और आगे और पीछे के दोनों पल्लर हम बराबर निकालेंगे इस तरीके से, बस हमें लंबाई में ज़्यादा रखना है। अब हम यहाँ पे लेंगे अपने शोल्डर, 6 इंच शोल्डर लेंगे, आरुमल लेंगे 6 इंच, चौकुटा निशान। इसके बाद यहाँ से आधा इंच इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसमें लगा देंगे गोलाई का शेप। ये हमारी गोलाई का शेप हो गया। अब कर लेंगे हम आरुमल की कटिंग और गले का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच लेंगे हम अपने गले की चौड़ाई, गले की लंबाई लेंगे हम 6 इंच, और यहाँ पे इसको चौकुटा निशान। उसके बाद यहाँ से गोलाई का शेप। आरुमल की पहले कटिंग करनी है। अब यहाँ पे करेंगे गले की गोलाई की कटिंग। अब देखिए, अपने पीछे के पल्लर को निकाल लेंगे इस तरीके से। आगे के पल्लर पे लगाएंगे हम निशान। यहाँ पे हमें आधा इंच काटना है आरुमल को, आगे वाले को, क्योंकि इसमें प्लेट डालते हैं। एक एक बात आपको इसमें ध्यान से देखनी है, और हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, और हमारी इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। अब देखिए, अब हम लगाएंगे इसमें तीरे का निशान। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 13 इंच पे। 13 इंच पे आप तीरे का निशान लगाएंगे तो आपका तीरा नीचे ही रहेगा, ऊपर की साइड बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। अब यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच ऊपर और इसमें लगा देंगे हम अपने तीरे का शेप का निशान इस तरीके से। तो देखिए, अब हम यहाँ पे पहले कर लेंगे कटिंग, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छे से समझ में ना आए तो ये वीडियो आप फिर दोबारा से देखें। ये हमारा नीचे का तीरा हो गया। अब देखिए, जैसे हमारा फिटिंग का है 9.5 इंच पे निशान, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 9.5 इंच पे निशान। अब हम निकालेंगे अपनी प्लेट का और टक्स का निशान। तो देखिए, इंची टेप को हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। ये बीच का जो निशान है वो हमारा टक्स का निशान है। अब देखिए, जैसे मैंने अपना फिटिंग का 9.5 इंच निशान लगाया है, अब इसका हम देखिए इस तरीके से
आधा करेंगे और इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और नीचे की प्लेट का निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये 9.5 इंच है फिटिंग का निशान, इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे 9.5 इंच को और यहाँ पे लगा लेंगे अपना नीचे की प्लेट का निशान, क्योंकि ये प्लेट हमारी मेन है तो यहाँ पे हमें बराबर करके निशान लगाना है। तो हमने 9.5 इंच का आधा किया है इस तरीके से और यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखा है और निशान लगा लिया। तो 9.5 इंच का यहाँ पे हमारा 4.5 इंच हो रहा है। आप यहाँ पे 4.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं नीचे की प्लेट का, क्योंकि नीचे की प्लेट हमारी अगर हम यहाँ पे लगा देंगे 3 इंच पे तो ये प्लेट हमारी इधर की साइड जाएगी, और अगर यहाँ पे लगा देंगे 5 इंच पे तो ये प्लेट हमारी बगली की साइड जाएगी, तो हमारी फिटिंग सही नहीं आएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे तीरे से ऊपर लेंगे 2.5 इंच और ये हमारी आगे वाली प्लेट रहेगी, और यहाँ पे 6 इंच पे आरूमल की लगा देंगे। इंची टेप को आप इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे 6 इंच का निशान है प्लेट का, और यहाँ पे आप लेंगे 2 इंच ऊपर और ये होगी हमारी चारों प्लेट का निशान इस तरीके से। अब यहाँ पे लगा लेंगे हम कैंची के कट, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ये दोनों साइड हमारे निशान हो जाएंगे अस्तल के ऊपर, दोनों साइड निशान हो गए और ये दोनों हमारे तीरे हो गए। अब बाजू निकालनी है हमें, अब ये हमारा अस्तल बचा हुआ है। तो देखिए हमारे अस्तल की जो चौड़ाई है वो है 15 इंच, तो ये चौड़ाई कम है, और हमारी बाजू की लंबाई है 4 इंच, तो हम कपड़े की लंबाई लेंगे 5 इंच। 5 इंच की तो हमें लंबाई लेनी है कपड़े की। अब देखिए कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे, तो यहाँ पे हमें कपड़े की जो चौड़ाई चाहिए वो 9 इंच की चाहिए, तो यहाँ पे हमें पट्टी रख लेंगे इस तरीके से, इसके बराबर हमें टुकड़े को जोड़ना है, क्योंकि चौड़ाई कम है तो हमें यहाँ पे पट्टी ही जोड़नी है। तो ये पट्टी आप अभी हटा दें और देखिए एक कपड़े की चौड़ाई हमें डबल करके 9 इंच होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा कपड़ा 9 इंच होना चाहिए इस तरीके से। अपनी बाजू की कटिंग का निशान लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच और इसको हम इस तरीके से ऊपर की साइड ले जाएंगे गोलाई में। ये देखिए कितना सिंपल और सरल तरीका है बाजू काटने का। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो ये पल्लर छोटा है और ये पल्लर है हमारा पूरा 9 इंच का, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे तो ये 9 इंच हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक टुकड़े को जोड़ देंगे, हमें 2 टुकड़ों में ही इसको जोड़ना है। इसको अब हम सिलाई से जोड़ लेंगे और इसी के बराबर हम कपड़े की कटिंग करेंगे जो हमारा साड़ी का कपड़ा है। सबसे पहले हमें कपड़े को डबल करना है और ये बंद है, यहाँ पे जो बंद है वहां पे रखेंगे हम पीछे का पल्ला। अब देखिए हमें अपने गले की लंबाई बढ़ानी है पीछे की, 9 इंच की करनी है, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे। अब देखिए पीछे का गला हमारा 9 इंच का है, अगर आप ज़्यादा लंबाई रखना चाहते हैं पीछे की तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये हमारा पीछे का है। अब यहाँ पे रख लेंगे हम आगे का पल्ला, पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे बाद में कटिंग कर लेंगे जी, गले की कटिंग बाद में करेंगे, पहले इसे सिलाई में जोड़ना है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम तीरे की कटिंग करेंगे, ये हमारा तीरा हो गया। अब ये बॉर्डर आप देख रहे हैं ये बाजू का है, तो इसको भी हमें डबल करके इस तरीके से करना है और यहाँ पे हम अपनी बाजू रख लेंगे। अब ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई, अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। देखिए सबसे पहले अस्तल और कपड़े पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, अब अस्तल के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से प्लेट डालेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच लेंगे और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे इसको डबल लेंगे
और यहाँ से 1 इंच लेंगे डबल करके, 1 इंच नीचे की प्लेट हमें 1 इंच की लेनी है डबल करके। अब इसको भी हमें तिरछा अब यहाँ पे आधा इंच की प्लेट लेनी है, इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब देखिए अस्तर और कपड़े पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, इस तरीके से सिलाई लगा के और फिर हमें इसको ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई लगा ली, अब हम इसमें तीरा जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए तीरा जोड़ने के बाद इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार कर लेंगे। इसमें भी हमने प्लेटें डाल ली हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लेटें डाली हैं 1 इंच नीचे लेना है, बाकी ये 3 प्लेट हैं आधा आधा इंच की, यहाँ पे चौड़ाई लेके शेप में उतारना है। ये हमने शेप में उतारी है। इससे शेप में उतारने से क्या है, यहाँ पे झोल नहीं आती है, एकदम पप अच्छा आ जाता है। इसको कम करते हुए उतारना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कम करते हुए। अब देखिए दोनों साइड हमारे तीरा लग गए, अब हमें हुक वाली पट्टी और कांच वाली पट्टी बनानी है। अब इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। इसकी चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच की, इसको यहाँ पे रखेंगे। ये हमारी अंदर वाली पट्टी हो गई और एक पट्टी हम काज वाली पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने कपड़े की चौड़ाई ली है, वो 5 इंच की है। अब इसको डबल करके लगाना है। अब देखिए ये काज वाली पट्टी हो गई हमारी और ये अंदर वाली, यहाँ पे हुक लगाएंगे, यहाँ पे काज बनाएंगे और इसको हम इस तरीके से रख के बराबर करके देख लेंगे। यहाँ पे बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम देख लेंगे बराबर है। अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ देंगे। अब पीछे के पल्लर पे देखिए, पहले हमें कपड़ा और अस्तर पे एक सीधी सिलाई लगानी है, इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसको डबल करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे 5 इंच पे पीछे की प्लेट का, यहाँ पे कट लगा लेंगे। अभी पीछे प्लेटें डाल ली, अब हम इसमें आगे के पल्लट जोड़ेंगे। अब आगे के पल्लट जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे लगा लेंगे फिटिंग की सिलाई। यहाँ पे हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है, अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे 1 इंच लिया है कपड़ा गुंजाइश के लिए, तो 1-1 इंच हम ये कपड़े को पहले दबा देंगे। दूसरी साइड भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 1-1 इंच दबा देंगे। अब इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे, तो यहाँ से हम अपनी कमर का नाप लेंगे इस तरीके से।
अब देखिए हमें 32 कमर चाहिए तो ये 32 है। अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। अब देखिए हमारी अस्तल की जो कटिंग है तो उसमें जो कपड़ा कम था मैंने आपको बताया है, यहाँ पे देखिए ये टुकड़ा हमें लगाना है जिससे हमारी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये टुकड़े को जोड़ लेंगे। अब देखिए हमने ये टुकड़ा लगा लिया। अब इसको देखिए यहाँ पे हम डबल करेंगे। अब यहाँ पे बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम अपनी इस तरीके से चौड़ाई नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 इंच होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से ये 9 इंच है। अब भी कटिंग भी बराबर है, ये देखिए। और ये टुकड़ा पीछे की साइड आ जाएगा और इसी तरीके से हम दूसरी बाजू में जोड़ेंगे। अब देखिए ये हमारा सीधा है। सीधे के ऊपर हमें बाजू रखेंगे और सिलाई लगाएंगे पहले। अब देखिए हमने बाजू तैयार कर ली है। अब इसको लगाएंगे, आरूमल के ऊपर इसको रखेंगे। अब हमने बाजू लगा ली। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे बाजू की मोरी की। अब देखिए यहाँ पे हमें निशान लगाना है। जैसे हमारी मोरी है 12 इंच की तो 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। अभी देखिए हमारी जो फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू को तैयार करके जोड़ेंगे। अब हम अपनी पहली वाली मोरी के बराबर इसकी फिटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से नाप लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे और गले पे पाइप लगाएंगे। अब गले पे पाइप हम तिरछी लगाएंगे। तो हमें कपड़े को पहले तिरछा करना है। एक कुन्नी से हमें कपड़े को इस तरीके से तिरछा करना है। अब देखिए यहाँ से हमने इसको तिरछा कर लिया। अब इसको हम जोड़ेंगे पट्टियों को। अब यहाँ से हम बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये इसको रखेंगे पट्टी को गले के ऊपर, आधा इंच बाहर रखेंगे। अभी आधा इंच पट्टी हमारी बाहर है। अब यहाँ पे जो कपड़ा हमारा ज़्यादा है इसको काट लेंगे। पीछे की साइड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको बराबर कर लिया है। अब ये पट्टी को दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अभी सिलाई तो हमने लगा ली, अंदर का जो कपड़ा है दबाते हुए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब जो अंदर का कपड़ा है पट्टी का वो काट लेंगे। अब देखिए पट्टी के ऊपर हमने अंदर का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाई है इस तरीके से। अब इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ से इसको अंदर की साइड दबा देंगे इस तरीके से और पतली सी पाइपिंग बनानी है। अब देखिए हमने एक गले पे सिलाई लगा ली।
अब देखिए हमने पाइपिंग के नीचे सिलाई लगाई है और देखिए कितनी सुंदर पाइपिंग आई है। और इसी तरीके से पीछे की साइड है, पीछे का गला है, ये बन गया हमारा सादा ब्लाउज तीरे वाला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।